आई थिंक 1 महीना पहले, तो मैंने एक बार पहले से काफ़ी थोड़ा परेशान पर हूँ, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले, मेरे पास बाइनेंस तो जानती हो ना सर, हाँ, तो बाइनेंस से मेरा पास 400 डॉलर बैलेंस के, बंद हो गया है। हाँ अब बंद हो गया सर 3 4 दिन पहले। मैंने 1 महीना पहले किया था, 1 महीना पहले नहीं बंद हुआ था सर, क्यों? हाँ तो मैंने, मेरे पास, मैं पहले ट्रेडिंग करता था, ठीक है, तो मेरे पास आई थिंक 400 डॉलर की समथिंग था, बस 40,000 के। तो बीच में मैंने सुना पी टू पी बहुत ज़्यादा स्कैम हो रहा है आजकल, पी टू पी ट्रांजेक्शन करने के, फिर मैंने काफ़ी दिन से सेल नहीं किया, तो मेरे पास 400 डॉलर की पैसा था पड़ा हुआ, ठीक है, वो मतलब डॉलर था, टोटल 40,000 के पड़ा हुआ। यूएसडी में था, राइट? हाँ, टोटल 40,000 के था। तो मैंने फिर पी टू पी नहीं किया, मैंने ट्रेडिंग बंद करवा दिया। फिर मुझे एक दिन मेरा खुद का दोस्त बोल रहा है, कोलकाता की है, मेरा खुद का फ्रेंड है, ठीक है, वो मुझे एक दिन कॉल करके बोल रहा है, हेलो अजहर, तेरा पास डॉलर है तो मुझे दे दे। तो मेरा खुद का फिर मकान का भी काम में मैं उतरा हूँ अभी इस टाइम, मैंने बोला चल यार मैं तो पी टू पी नहीं कर रहा हूँ, मेरा दोस्त ही मांग रहा है, इसको दे दूँ मैं। तो हाँ मैंने क्या किया, मेरा दोस्त जो है ना, उसका आईडी कार्ड प्रूफ सब कुछ है मेरे पास एक्चुअली। फिर हाँ मैंने क्या किया, उसको उसको बैनर से मैंने जितना डॉलर था मैंने सब कुछ भेज दिया, फिर उसने मेरा अकाउंट में 40,000 भेज दिया। तो मैंने एक्चुअली जॉब करता हूँ दिल्ली उद्योग विहार पे, ठीक है, तो फिर मैंने वहाँ जब मेरे सैलरी अकाउंट में पैसा आया मिस्टेक से, मैंने भी ध्यान नहीं दिया, यूपीआई डाल दिया मेरे सैलरी अकाउंट से, मेरे सैलरी अकाउंट से कभी कभी पैसा कटता है, तो मैंने क्या किया, सैलरी अकाउंट से मेरा सेविंग अकाउंट में रखवा दिया। तो मैंने पहले जब आया था बैंक अकाउंट सैलरी, वो भी बैंक अकाउंट ब्लॉक हो गया, सेविंग अकाउंट। फिर 3 दिन बाद मैंने फिर किसी, मतलब मेरा भैया को पैसा देने जा रहा हूँ किसी, मतलब काम के लिए, तो मैं कौन पैसा दे रहा हूँ, मेरा बैंक अकाउंट ब्लॉक। सा बैंक है? हाँ मेरा पहले जो बैंक अकाउंट सैलरी अकाउंट वो था IDFC, आप दूसरी वाला बैंक है यूनियन बैंक, जो सेविंग था मेरा। तो इसमें पूरे बैंक में डेबिट फ्रीज है या उतना ही अमाउंट होल्ड पे है? नहीं होल्ड पे नहीं, एक बैंक अकाउंट में तो मेरा माइनस हो गया, जिसमें पहले भेजा था 40,000, आई नहीं, इसके मतलब बाद पैसे कम थे तभी जी सर, हाँ पैसा कम था इसमें, माइनस में गया तभी ना। ठीक है, माइनस गई, ठीक है। अब दूसरी वाला जो बैंक है वो बोलिए फ्रीज हो गया, क्योंकि उसमें थोड़ा मैं ज्यादा, मेरा सेविंग अकाउंट था आई थिंक 1.5 लाख की पैसा था, मेरा मकान की तो उतरा हुआ उसमें अभी जो भी पूरा ही पैसा उसमें मतलब था पड़ा, पैसा फ्रीज हो गया है, मतलब हाँ पूरा ही बैंक पैसा फ्रीज हो गया। उसमें होल्ड पे नहीं हुआ कि हाँ चलो इतना नहीं भी होल्ड सीड नहीं, अमाउंट है? होल्ड नहीं हुआ, होल्ड नहीं, क्योंकि उसमें ज्यादा पैसा था सर। नहीं, ज्यादा था तब तो उसमें आखिर 40,000 का ही डिस्प्यूटेड अमाउंट है ना। तो हाँ, जी सर, जी बैंक को सर, कांटेक्ट किया तो बैंक ने क्या बताया? तो बैंक ने बोला आपका पास कोई साइबर क्राइम का कोई फ्रॉड पैसा है ना। बैंक ने जानकारी दी कहाँ से हुआ है, किस हाँ तरह जी जी से? सर, जस्ट 1 मिनट मेरा बात सुनो। फिर उसने मुझे बैंक से पूरा, मैंने डिटेल्स लिया, ये है साइबर आपका साउथ दिल्ली बदरपुर से, हाँ ठीक है। तो मैंने बदरपुर से फिर वहाँ का कांटेक्ट नंबर दिया, फिर कांटेक्ट नंबर को मैंने कॉल लगाया, तो उसने बोला को जो इसका मतलब ये है इन्वेस्टमेंट ऑफिसर है, फिर उसका कांटेक्ट नंबर दिया मुझे, ठीक है। तो मैंने उसको पूरा डिटेल्स बताया, सर ऐसे ऐसे है, मेरा दोस्त जो है ना मेरे को पेमेंट किया था, तो मेरा दोस्त को जो पेमेंट करने का 2 दिन बाद उसको पूछा, भाई ऐसा क्यों है मेरे साथ, मेरा दोस्त क्या बोल रहा है को, उसने भी गलती से 1 दिन पहले पी टू पी किया था 1,10,000 की, कितने वो का? भी एक ट्रेड 1,10,000 का? है मेरा दोस्त का, वो मुझे बताया नहीं पहले, अब बता रहा है, मेरा बैंक अकाउंट फ्रॉड होने के बाद में जब बोलो उसको, वो बोला ऐसा हुआ था यार मुझे भी नहीं पता है, तो उसको मेरे अलावा और 2 फ्रेंड का पास वो खरीद के लिया था, कि वो भी एक ट्रेडर ही था, और एक बंदा का था 30,000, एक का 20,000, तो ऐसे आपके मतलब फ्रेंड खरीद के का भी रखा था। ब्लॉक हो गया होगा अकाउंट? हाँ उसका भी बैंक अकाउंट, उसका तरफ से मेरा भी हो गया है उसका अच्छा लाइन से। ठीक है। हाँ ठीक है, हाँ ठीक हाँ है फिर। तो मैंने उसको पूरे सर को बताया, जो इन्वेस्टमेंट ऑफिसर सर ऐसे ऐसे है मेरा दोस्त, तो चलो कोई बात नहीं, मेरा दोस्त क्या क्या नहीं क्या मैं तो उसका मालूम नहीं है, हाँ तो हाँ मैं मेरा आपके पास दोस्त जो का पैसा आया है वो ना तो उसी, मतलब इस हाँ तरीके से ट्रैवलिंग हाँ फ्रॉडलेंट अमाउंट आया है। ठीक हाँ है। हाँ तो मैंने बता रहा सर, जिसने मुझे पेमेंट भेजा है उसका मैं आईडी प्रूफ सब कुछ, कॉन्टेक्ट नंबर दे रहा हूँ, और किस वजह से लिया हो, कितना दिया है उसका मैंने पूरा प्रूफ दे रहा हूँ, और जो भी मेरा दोस्त है मैंने उसको भी बहुत टच किया हूँ, लास्ट में उसको होम की दिया, भाई तेरा नाम से एफ आई आर करूंगा, ये करूंगा, तेरा नाम, जिससे मेरा 2 लाख का पैसा पड़ा है, वो भी बेचारा बोल रहा है यार मैं क्या करूँ यार, सुसाइड कर लो क्या, वो भी स्टूडेंट है, उसका पापा का पैसा उसको रखने दिया, वो भी वो से ट्रेडिंग करते जैसे डेली कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो जाता, तो अब क्या करे, उसको भी वो भी बोल रहा है ऐसा ऐसा है दिक्कत, मैं क्या करूँ बता भाई, अब नहीं, उसको भी नहीं ज़्यादा हेडेक दे पा रहा हूँ, मैंने उसको बोला हेडेक ठीक देने है। से कोई फायदा भी नहीं है ना। उसको हेडेक क्या दे दो, या तो उसे ही हाँ मेरे वो को बंदा नहीं, जान भी वो ले भी लो स्टूडेंट है, उसकी, फर्स्ट नहीं, फर्स्ट ईयर उसकी में पढ़ जान रहा है। ले लो, उसको हाँ FIR कर दो, उस पे कुछ भी नहीं बनेगा ना।
जी सर हाँ, इसलिए मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। फिर मैंने पुलिस ऑफिसर को बताया सर, उसने ऐसा ऐसा किया। पुलिस ऑफिसर पहले बताया देखो इसका जो मैन ही है उसको पकड़ेंगे तब फिर जाके ये होगा। फिर इसके बाद मैंने कि मेरा दोस्त को क्या बताया, ठीक है सर मैंने बताया था कि जा तू जहाँ से P2P किया था ना, तू बाइनेंस में जाके एक बार कंप्लेंट कर को तेरा इस पेमेंट से इस ID से तेरा अकाउंट ब्लॉक हो गया। उसने भी क्या किया, बाइनेंस में जाके मेल कर दिया। बाइनेंस तुरंत जिसका पास से 1,10,000 की पेमेंट आया था ना उसका बाइनेंस ID ब्लॉक करवा दिया आगे वाला की जिसका पास से हुआ था। तो वो बंदा खुद तब कांटेक्ट, पहले उसको मैसेज करा जाता था बाइनेंस में, मैसेज होता ना P2P में सर, वहाँ पे पहले उसको मैसेज करता था कोई रिस्पांस नहीं आता था, मैसेज सेंड करके छोड़ देता था, उसको बोलता भाई मेरा बैंक अकाउंट ब्लॉक हो गया कुछ हेल्प कर, वो सेंड करता रिप्लाई छोड़ देता। जब उसका बाइनेंस ब्लॉक कर दिया तुरंत मुझे मैसेज करने लग गया उसको, मेरा दोस्त को, ठीक है। उसने मुझे डेली के डेली अपडेट भी देता है। फिर मैंने उसने मुझे बताया को उसने तुरंत उसको मैसेज करने वाला, उसके पास एक व्हाट्सअप नंबर दिया, व्हाट्सअप नंबर लिया, कॉन्टैक्ट नंबर लिया, कॉन्टैक्ट नंबर लेके फिर मुझे बताया ये कॉन्टैक्ट नंबर है। फिर पुलिस वाले से बताया देखो सर ऐसे ऐसे बात है, 1 महीना पहले को उसने भी एक पहले किया था, वो जयपुर की बंदा, उसका ये फंड नंबर है, ये बाइनेंस ID है, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, तो ये लो। उसने भी दोस्त उसने जिसने जिसका बाइनेंस ID ब्लॉक हुआ है ना उसने क्या बोल रहा है, बोल रहा पहले उसका बाइनेंस ID ब्लॉक करूंगा इसका बाद उसने उसका बैंक अकाउंट ब्लॉक करवाएगा। फिर पुलिस ऑफिसर में भी यही भी बताएगा सर आगे वाला बंदा ऐसे बोल रहा है, तो उसने बोल रहा ठीक है बाकी उसका कॉन्टैक्ट नंबर सब कुछ दिया, अभी 1 महीना हो गया। अब मैं बोलूँ सर उसका क्या है अपडेट ना, मैं खुद जाऊँ, मैं खुद जाके सोल्यूशन को, अगर नहीं और ज्यादा पैसा का अमाउंट है, मैंने मेरा पास तो कोई गलती है नहीं ना, तो डरू किस वजह से। तो मैंने बोला ठीक मैं जाऊँ क्या, वो बोल रहा है आपको आने की कोई दिक्कत नहीं है, आने से कोई फायदा नहीं है, इसका 7 से 8 साल टाइम लगेगा। अब बताओ बेफालतू की मतलब इतना पैसा पड़ा हुआ है 2 लाख की, नहीं अगर नहीं मैंने इतना बोला टाइम नहीं लगता है, वो जानबूझ के वो पुलिस वाला आपको, आप दिल्ली में ही हो ना? मैं अभी दिल्ली में नहीं हूँ, कुछ शादी का चक्कर में मकान की काम चल रहा, तो मैंने आ गया बंगाल में, कलकत्ता में रहता हूँ एक्चुअली। अच्छा ठीक है, तो फिर मैंने क्या किया, फिर वहाँ का है वकील को पकड़ा, वकील को बहुत ज्यादा चार्ज मांग रहा है कौन एक्चुअली से वकील पैसा को भी, पकड़ा है दिल्ली में? अच्छा दिल्ली में मैंने फिर वो गूगल में सर्च करके रखा था। ऐसे किसी को भी पकड़ोगे तो देखो ऐसे मामले में ना, हाँ मतलब पुलिस वाले और वकील वाले, मैं खुद एक वकील हूँ लेकिन हर एक पुलिस वाला हर एक वकील एक अलग होता है। कई जी लोग मजबूरी का फायदा उठाएंगे, जैसे आपने मेरे को बड़ी ईमानदारी से बता दिया कि मेरे खाते में 1 या 1.5 या 2 लाख या जो भी है हाँ आप बता बता दोगे ना दिया इतनी ईमानदारी से, वो जो बताना नहीं चाहिए वो ठीक है। आपका फायदा उठाएगा। अरे तेरे ठीक है 2 लाख है, मेरे को 20,000 दे दो, 50,000 दे दो, 30,000 हाँ ऐसे दे डिमांड करता है, बट प्रॉब्लम दो, मेरा कोई गलती है नहीं, मेरे उसी कुछ तरीके से नहीं आपसे है, डिमांड मेरा जो भी करेंगे। पैसा है सब मेहनत किसी की गलती पैसा है। आपकी कोई नहीं है, सारा हाँ मेहनत का पैसा है, आपने कोई अपराध नहीं किया है, जी जी सर जी और सर एज पर द प्रोसेस आपका अकाउंट खुलना चाहिए और खुलेगा भी और खुलता भी है। पता नहीं तो होने की वजह से वकील के चक्कर या पुलिस के चक्कर, या पुलिस भी जैसा आपने बताया कि बोला कि 7-8 साल लगेगा, जी या सर जी सर बोल रहा है फिर कई बार पुलिस। आपको डराएगा कि क्रिप्टो हाँ कोई हाँ मैंने यूजर है, मैंने उसको बोला आप भी तो बाइनेंस सर, में क्यों कर रहे हो, आप गलत काम कर हाँ रहे हो। मैंने सर उसको बताया था भी पुलिस ऑफिसर को, सर देखो हमने आपका पास इतना ई करवा दिया हेल्प करवा, मेरा दोस्त है एक्चुअली, मुझे तो उसका भी हेल्प करना चाहिए, जब उसका अनलॉक हो जाए तो मेरा भी हो जाएगा कुछ। सर मैंने पुलिस ऑफिसर को बताया सर जिसका पास से मैंने 1,10,000 की, मेरा दोस्त का पास फ्रॉड आया देखो पुलिस उसका वाले ना, व्हाट्सअप। मतलब मेरे को बोलना नहीं चाहिए लेकिन ज्यादातर मामलों में आप उनको असली, जो कहते हैं ना कि जो असली आदमी है मेन आदमी है वो पकड़ेगा, तब जाकर उसको भी पकड़ के ला के दे दोगे ना, फिर भी अगर उसको नहीं करना होगा तो आपका भी अनफ्रीज नहीं करेगा, फिर भी वो पैसे हाँ की वही बात है लालच और वही जहां जी, वहां राइट राइट भटकाएगा, राइट तो राइट। मैंने उसको बताया था सर, उसका मैंने उसको बताया था सर देखो ये हो रहा मैन फ्रॉड, उसका व्हाट्सएप नंबर दे दिया, उसका बाइनेंस ID दे दिया और सब कुछ दिया, और बाइनेंस को हमने तो मेल पुलिस भी किया था वाले मेरा को ना, दोस्त ने। मतलब देखो पुलिस का इंटरेस्ट, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, उसको चोर पकड़ने में इंटरेस्ट नहीं है, हाँ उसको इसमें इंटरेस्ट है कि पैसा कहाँ खाना से है मेरे को 2 रुपया खाने को मिले। बस यही है सर। और दूसरी बात हो रहा है क्या सर, मैंने बोला कि सर देखो जो मैन है उसका व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया, बाकी उसका पूरा डिटेल्स हमें तो नहीं मिल रहा है, बैलेंस का हमने मेल भी किया आप था कि सर परेशान हमारे नहीं साथ। हो, आपने जो बताया है बहुत लेवल तक आपका मैटर लगभग लगभग सॉल्व ही है, बस सही मतलब प्रॉब्लम नहीं मिलने की वजह से सॉल्व नहीं हुआ है। आपको ना जी जो जी भी सर पुलिस का डिटेल है जो हाँ आपको बैंक की तरफ से मिला है वो आप मेरे को नहीं स्क्रीनशॉट भेज दें। हाँ बैंक की तरफ बैंक से इतना ही मिला है सर, जस्ट 1 मिनट मेरा बात की तरफ सुनो से तो आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर मिला होगा, पुलिस का जी। मेरा भी राइट मिला राइट राइट होगा, राइट 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 थाने का और नंबर जिसका मिला सर, होगा, और हाँ IO का नंबर भी बैंक ने दिया था या आपने निकाला था? किसका नंबर सर
आयो का पुलिस वाले का जिसके पास नहीं, केस है। उसने पहले पुलिस, जो पुलिस ऑफिस की है साइबर का मैन, उसका नंबर दिया था, फिर मैंने उसको कॉल किया, उसने बोला था जिस इसने इस मतलब केस को जो मतलब एक्नॉलेजमेंट इन्वेस्टिगेट कर नंबर रहा है, बताया होगा तो फिर उन्होंने आयो का नंबर दिया कि जो इस केस को देख रहा। हाँ ये देख रहा है, फिर उसके साथ मैंने कॉन्टेक्ट, वो सच में बताओ सर इतना हरामी है, वो ये नहीं सोच रहा है बंदा किस हाल में है, किस परिस्थिति में है, मेरे लोन का किस स्थिति में है, अब मैं क्या करूँ, घर का रेंट किया, ठेकेदार है, अगर वो खुद मुझे बोल दे 5,000 में चलवा दूंगा तो कोई बात नहीं, 5-10 हज़ार नहीं, वो सामने बैंक से तो वो से, मांगेगा नहीं ना, वही वाली बात है। कोई बात नहीं, आप परेशान परेशान नहीं हो, ठीक है। सर बहुत परेशान, क्या मैं बताए। भी दिल्ली में ही हूँ, मैं आप परेशान नहीं हो, ये एक फायदे वाली बात है। काम हो जाना चाहिए तब तो आपका। अच्छा हाँ तो सर मैंने फिर इतना, फिर मैंने ठीक है, आप किसी को बता दें, पकड़, किसी वकील से मिले तो फिर क्या वहाँ पैसे वैसे दे चुके हो? किस नहीं किसी को मैंने पैसा नहीं, वो पहले 20,000 मांग रहा है, तो बताओ सर मेरा कोई गलती, चीज का अगर बीजा मैंने मांगा? तो वो नहीं पूछा नहीं आपने उस वकील साहब से कि भैया क्या नहीं काम नहीं करोगे? उसने बोले हम जाने के बाद ही हम को बोला मेरे को तो अलग से 20,000 देना पड़ेगा, इसका ऊपर से पुलिस ऑफिसर को क्या पैसा देना पड़ेगा, मैंने बोला देखो सर मेरा जो भी पैसा है सब मेहनत की पैसा है, मैं हाँ, किसी का हराम का पैसा ही 1 रुपया भी नहीं है, अगर मेरे पास हराम का पैसा होता ना तो मैंने दो बोल नंबर देता का पूरा काम के मैं पूरा काम पैसा कर खा रहा हूँ, लेता, चलो दो नंबर का देने में फिर नई आदमी को कोई हाँ फायदा। वही बात है, मैं जो भी पैसा मेहनत का पैसा हो अगर इससे नहीं हुआ तो मैं कोर्ट में जाके हाजिर होऊंगा, अगर और एक बात है जिस दिन मेरा ब्लॉक हुआ दूसरे दिन ही मैं साइबर क्राइम के साथ कांटेक्ट किया, उसी दिन मैंने पूरा डिटेल सबमिट किया, और पुलिस वाला इतना हरामी है और क्या आपने कोई बताऊँ, मेल वेल किया है उनको या नहीं किया? क्योंकि आपके पास मेल कोई सबूत है कि आपने पुलिस को कांटेक्ट किया है, इसका जी सबूत सर है? मैंने कांटेक्ट किया, मैंने नंबर भी उसको व्हाट्सएप किया हूँ आपने पूरा मतलब मेल चीज, वेल नहीं भेजा है ना उनको? नहीं मेल मेल नहीं भेजा, मेरा दोस्त ने जिसने किया था उसको बोल रहा है को मेल करने का फायदा नहीं, मैं लोकल साइबर क्राइम में भी कांटेक्ट किया था, देखो, मेल उसने बोला करना है चाहिए, क्योंकि मेल का, देखो मेल पे भी वो सुनता नहीं है, लेकिन मेल करने का सबसे बड़ा फायदा यही है कि आपके पास इस बात का प्रूफ होता है कि हाँ, अच्छा, मैंने फिर पुलिस नहीं को मेल किया, मैंने उनको अपना पूरा डिटेल दिया, अपना आधार कार्ड दिया, मैंने उनको पर्पस बताया कि किस चीज के लिए मैंने अकाउंट में पैसे अच्छा आए थे। नहीं नहीं फिर सर मैंने वो काम नहीं किया, मैंने फिर क्या किया जिस ऑफिसर का है उसका पूरा हिस्ट्री था, व्हाट्सएप आईडी देता, मैंने व्हाट्सएप पूरा डिटेल्स भेज दिया था, बाकी मेरे जो आगे वाला का अच्छा, एक व्हाट्सएप पे प्रश्न, आपने भेजा है तो वो भी एक प्रमाण है, लेकिन वो उतना सॉलिड प्रूफ नहीं होता है जितना मेल पे भेजा हुआ प्रूफ होता है। अच्छा सर मैं अभी भी कल भेज दूँ तो कोई दिक्कत नहीं हाँ है ना, चलेगा, वो तो कभी भी, ठीक जब है जागे बाकी तभी सवेरा नहीं, वाली मैंने बात है। मैं इतना ही तक भेज देता सर, क्योंकि मैं लोकल साइबर क्राइम से कांटेक्ट किया था तो उसने बोला मेल करने से कोई फायदा नहीं है दोस्त, कि हमारे अरे पास भी जो फायदा, मेल आता है हम रिस्पॉन्स नहीं करते, ऐसे बोल रहा है, बात तो सही हमने बोला, किया बात नहीं, सही बोला, लेकिन वो हमारे पास, जैसा आपने कहा ना कल, हो के मान लो कि कोई सीनियर पुलिस ऑफिसर को हमको दिखाना हो, कोर्ट तो को नहीं उसका दिखाना व्हाट्सएप हो, नंबर या है किसी पूरा को भी प्रूफ है, दिखाना हो, तो कोई पूछेगा ना कि आपने पुलिस को कांटेक्ट किया था, आप सही थे? तो आप बोलोगे हाँ, तो वो मांगेगा ना कि आपने कांटेक्ट किया तो किस जी माध्यम से किया, क्या सबूत है आपके पास? तो जी जी आमतौर जी पे जो हम फोन कॉल करते हैं, बात करते हैं, उसका कोई सॉलिड प्रूफ नहीं होता है। मेल जी जी करते हैं तो वो सॉलिड प्रूफ होता है हमारे पास, जी मेल ठीक करो है या चिट्ठी लिखो या फिर व्हाट्सएप पे भी किया है तो वो भी एक प्रूफ होता है, क्योंकि व्हाट्सएप पे नहीं भी भेजा है तो वो भी एक प्रूफ है। बात थोड़ा ये अच्छा है जो इतना वकील में दो तीन से बात किया, बट आपसे थोड़ा अच्छा बंदा किसी को नहीं मिला एक्चुअली, देखो बंदा अच्छा की बात नहीं है, बाकी सब नहीं लोगों का और मेरे बीच में डिफरेंस इतना ही है कि वो लोगों हाँ का मेन टारगेट होता है पैसा, पैसा, मेरा बट मेन कहीं कि टारगेट पैसा नहीं है। मेरा मेन हाँ सबसे बड़ा वही बात है, क्योंकि मेरे को अपने बारे में भी पता है ना कि मेरे और बाकी में डिफरेंस मैं खुद बता दूंगा, कि वो लोग आपको मतलब एक वो देखेंगे, कह रहे चलो ये बंदा आया है, इससे आप पैसे कमाएंगे। मैं आपको पैसे कमाने का सोर्स नहीं समझता हूँ, कमाने के लिए अदर केस भी है एक्चुअली, तो जी वो चीजें मेरे अंदर नहीं है। एक सबसे बड़ा डिफरेंस का जो भी मैटर है आप व्हाट्सएप करते, जो भी आपको बैंक की तरफ से रिप्लाई मिला है फिर उसको आगे देख के क्या करना है नहीं करना है, पुलिस को कैसे अप्रोच करना है, अकाउंट कैसे अनब्लॉक होगा, कल हो के कोई इशू ना हो, सारी चीज़ें आपको बता दी जाएंगी जिससे आपका समय, पैसा और मानसिक परेशानी बच सके।